ओहो छोटे महाराज, ये पहलवानी दिखाकर हम अपने लोगों को उन क्रोकोडाइल्स के अटैक से नहीं बचा पाएंगे, समझिए। आज तक तो हम बाल हनुमान के आशीर्वाद और थोड़ी इंटेलिजेंस दिखाकर उनको मात देते रहे हैं, लेकिन ये कुश्ती। अरे यार रॉकेट, छोटे महाराज की बात सुन तो ले, वो हम सबसे बड़े भी हैं और इंटेलिजेंट भी। और रही बात तेरे म्यूजिक की, तो उसमें भी वो तेरे गुरु हैं, गुरु, समझा? ओए ओए लॉकेट, वो तो सही है, फ्री स्टाइल कुश्ती और ओल्ड म्यूजिक में इनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन रॉक म्यूजिक और कराटे में तो मैं ही गुरु हूँ। मेरा मतलब बाल हनुमान और छोटे महाराज के आशीर्वाद से। हाँ भाई हाँ, तुम दोनों बहुत होशियार हो, लेकिन अब ये नौटंकी बंद करो और सही बात पर आओ। मैं सोच रहा था कि अगर हमारी क्रोकोडाइल्स के साथ दोस्ती हो जाए तो हमारे लोग जो हैं वो सेफ हो जाएंगे। तो अबे तो के बच्चे, पहले सुन तो ले, मुझे तो बड़ा भाषण झाड़ रहा था। छोटे महाराज, यू प्लीज कैरी ऑन। अभी अपनी चिक चिक बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम उनको उनकी पावर दिखाने का मौका दें तो वो लोग खुश हो जाएंगे। मेरा सजेशन है कि हम उनके साथ कोई पावर गेम खेलें, जैसे कुश्ती, कबड्डी, रस्सी खींच और थप्पड़ मार, खालू धेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे छोटे महाराज, क्यों हमें मरवाने के आइडियाज दे रहे हो? अरे कुश्ती और कबड्डी में ही वो हमारी फीस्ट करके मजे करेंगे। लॉकेट, मुझे छोटे महाराज की बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। अरे क्या कुछ कुछ, मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे नहीं बनवाना अपनी हड्डियों का चूरमा। कुश्ती और कबड्डी, वो भी उन भयानक क्रोकोडाइल्स के साथ। हाँ, बात तो सही है, भला मुंह में आते खाने को कौन छोड़ेगा? क्या? मेरा मतलब है। चुप, सुनो, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो खुशी खुशी मान जाए। अगर मैच में वो जीत भी जाते हैं। जीत भी क्या, जीत ही जाएंगे। बात करते हो। हाँ भाई हाँ, मुझे बात तो खत्म करने दो, बीच में बोल रहे हो। ओह सॉरी सॉरी, आप चालू रखिए चालू रखिए। अरे कहाँ था मैं। हाँ, अगर वो जीत भी गए तो हम सिर्फ हारेंगे ही ना, और ये ट्रॉफी उनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसी जीत से उनकी फ्रस्ट्रेशन कुछ तो कम होगी। और अगर वो हार गए तो? तो क्या, तो ट्रॉफी हमें मिल जाएगी मरने के बाद। देखो, अगर वो गेम्स के रूल पर चलते हैं तभी ये फाइनल होगा। अब हम कोई वन साइडेड फैसला तो ले नहीं रहे हैं, क्या कहते हो? यही मौका है, भेज दें कोई मैसेंजर। छोटे महाराज। प्रभु। कहो कैसे याद किया? हाँ, मैं अपने इतने बड़े और सबसे प्रिय भक्त को चिंता में नहीं देख सकता। अरे छोटे महाराज, क्या हुआ? मैं क्या करूं बाल हनुमान, ये लोग समझते ही नहीं है। ओहो, तुम भी ना छोटी सी बात से परेशान हो जाते हो, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी सूझबूझ पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि तुम कर पाओगे। बाल हनुमान, कोशिश तो मैं करूंगा ही, लेकिन ये क्रोकोडाइल्स राक्षस बुद्धि के हैं, सुधरने वाले नहीं है ये। मैंने कहा ना, कोशिश तो करो, फल अवश्य मिलेगा।
बिना कुछ किए हार मानने से अच्छा है कि एक बार कोशिश खाओगे। लेकिन बाल हनुमान आप सुनिए तो। अरे लेकिन वेकिन में समय नष्ट मत करो, क्योंकि जो हम चाहते हैं अगर वैसा हो गया तो सोचो डर का माहौल ही नहीं रहेगा। हा? सब तरफ शांति ही शांति हो जाएगी, नहीं? और अगर ऐसा ना हुआ तो? तो मैं हूँ ना, अच्छाई को भला आज तक बुराई से हारने दिया है क्या मैंने? भरोसा रखो। जैसी आपकी इच्छा बाल हनुमान, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप हैं तो क्या डर है? आप समझे ना, ये लो फिलहाल ये फल खाओ। क्या हुआ? अरे यार शटर, हजारों सालों के बाद दानवराज को जिंदा किया था, लेकिन बाल हनुमान ने इस युग में भी आकर फिर से उसको पत्थर का बनाकर टुकड़े टुकड़े कर डाला, और इसके साथ ही हमारे सब तरफ दहशत फैलाने के रास्ते भी टुकड़े टुकड़े हो गए, और तब से आज तक हम इस गुफा और इसके आसपास गुलामों की तरह रह रहे हैं। गटर बॉस, मुझे तो यहाँ घुटन होती है घुटन। क्या कोई रास्ता नहीं जिससे हम इन बंदरों से बदला लेकर उनको बिना चटनी के जट कर सकें? अरे बॉस, कुछ तो आइडिया लाओ अपनी इस 50 किलो की खोपड़ी में। इस खोपड़ी में आइडियाज की कमी नहीं है रे शटर। कल तक मेरे सभी आइडियाज डब्बे में गए ऐसा लग रहा था, लेकिन कल रात जो सिग्नल्स मिले हैं उनसे एक होप जगी है। और तो और, दानवराज की बॉडी का एक रॉकेट टुकड़ा भी गायब है। ओफो, गटर बॉस, एक तो आपने ये जो रेडियो टाइप डब्बा लगाया है ना, इसने आपका दिमाग खराब कर दिया है। बाहर कोई क्रोकोडाइल सुसु करने भी जाता है ना, तो आप सिग्नल सिग्नल करके चिल्लाने लगते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि दानवराज की बॉडी का टुकड़ा गायब है। अरे हमें क्या उस टुकड़े का अचार बनाना है? गायब है तो होने दो। अरे चुप इडियट, यही तो फर्क है मुझ में और तुम लोगों में। अरे मैंने दानवराज की बॉडी के हर टुकड़े को ट्रैक किया है, ताकि जब भी कोई दानवराज को जिंदा करने का मौका लगे तो हम उसकी बॉडी ना ढूंढते रह जाएं। लेकिन बॉस। अरे लेकिन वैकिन छोड़ो, कल रात से मुझे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं, लगता है हमारी तकदीर बदलने वाली है, लेकिन कुछ समय और लगेगा, तब तक जरा शांत शांत। समझ गया बॉस, समझ गया, यानी कि कुछ समय के लिए कोई लोचा नहीं, ओनली लव और लव। आहा, लगता है दुख भरे दिन जाने वाले हैं और सुख भरे दिन आने वाले हैं। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग। गटर बॉस, बंदरों ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। लेटर? लेटर? आप ये लेटर पढ़िए। लो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं जरा वो लेटर लाने वाले बंदर को खाकर अभी आता हूँ।
कोई पीस वीस चाहिए तो वो लो। अबे ढक्कन, उसका क्या करने का है ये इस लेटर को पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्या लिखा है? मैंने कहा था ना। क्या लगता है अपना सही समय आने वाला है? बंदर हमारे साथ फ्रेंडली मैचेस खेलना चाहते हैं, जैसे कबड्डी और कुश्ती टाइप। बॉस, भूख बढ़ रही है। क्या करूं? सारा नहीं खा लूं क्या पूरा का पूरा? अबे येड़े, उसको हाथ भी लगाया तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा। जाओ, उसको कंधे पे बिठाकर इज्जत के साथ बाहर छोड़कर आओ। जाओ। जी, 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 जी बॉस, जी बॉस। भागो। मुझे पता है ये बाहर जाकर क्या बोलेगा। कहेगा अपना गटर बॉस पागल हो गया है। बट आई नो अपना गटर बॉस इज द ग्रेटेस्ट वन। बढ़िया बढ़िया। अरे शटर गटर, आओ आओ। जाओ, नहीं, जाओ, लॉकेट। नहीं छोटे महाराज, जाओ। चले रॉकेट, तुम भी जाओ। जी जी, जाओ। हाँ, शाबाश। सॉरी फॉर द लास्ट टाइम ड्यूड। इट्स ऑल राइट ब्रो, ऐसे माहौल में ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? गिले शिकवे सब दूर हो जाते हैं। हाँ, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। कम ऑन, बकाऊ शेर मारा है। चलिए तो अब आप भी जरा कबड्डी मैच की तैयारी करिए। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, हाँ भाई शटर, कबड्डी की पूरी तैयारी करना। हाँ, क्यों नहीं। छोटे महाराज के चेले तो पूरे कबड्डी के उस्ताद हैं, उस्ताद। शाबाश येड़े लो। पूरे जोश से तैयारी करो। कबड्डी में जो भी हाथ लगे उसे अच्छी तरह से मसलना, लेकिन स्माइलिंग फेस के साथ। ओके बॉस, ओके। एक बात का और ध्यान रखना, अगर कहीं हार भी गए तो स्माइल चेहरे से नहीं हटनी चाहिए। मैंने कहा था ना, बॉस पागल हो गया है। मुझे मालूम है कुछ लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे। इनको कैसे पता चला? अरे मैं तुम सबका बाप हूँ, बाप, सब जानता हूँ। लेकिन ये सब तो हम एक नाटक कर रहे हैं, नाटक। और बहुत जल्द वो समय आने वाला है, हमारे गटर बॉस कुछ इविल फोर्सेस के साथ कांटेक्ट में है। देखा, मैंने कहा था ना, हमारा बॉस जीनियस है, जीनियस। जाओ तैयारी करो। जी जी। टॉस करें? हाँ। हे, हम जीत गए, जीत गए। ओह, बाल हनुमान।
कबड्डी 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 दे ताली तू भी मजा आ गया क्या बात है सब ध्यान से सुनो ध्यान से जैसे वो आएगा तुम लेफ्ट से और तुम राइट से उसे घेर लेना देख तू बिल्कुल मत घबराना ठीक है एकदम कूल रहना जा जा शाबाश मेरे शेर कर दे एक दो को ढेर ठीक है अगली बार देख लूंगा हाँ जाता हूँ जा रे बंदर जा कबड्डी 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 सब लोग इधर आओ हम स्ट्रेटेजी बनाकर आगे चलेंगे अभी शटर आने वाला है उसे चारों तरफ से घेर लेना ओके बॉयज कम ऑन हाँ आ जा अब तो तुम गए कबड्डी 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 ये मारा कबड्डी 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 हिलता ही नहीं कबड्डी 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 लेकर आ रहा अबे डर क्यों रहा है बे कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी घेर लो इसे कबड्डी 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 चलो आगे बढ़ो आजा 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 कबड्डी 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 पकड़ लिया अब कहां जाएगा इसको इधर ही ले दो शाबाश कबड्डी 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 वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है ठीक है कबड्डी कबड्डी शाबाश मेरे शेर ओए तू छा गया ओए तू छा गया लॉकेट छा गया यार कबड्डी 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 अबे बहुत कर रहा तू कबड्डी कबड्डी तू भी छा जा जरा थोड़ा बहुत कपड़े इनको दोनों मारे जाएंगे ओके 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 चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े अबे रुक रुक इसको रुक इसको आहुन चाओ आओ रुक इसकी गर्दन पकड़ खींच इसकी गर्दन खींच रुक इसे पीछे रुक मेरे घोड़े सारे हाँ निकल दे बड़ा भारी था यार वाह 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 शाबाश मेरे शेर अरे यार इन डेढ़ फुट के पित्तों में बड़ा दम है कमान कमान यू कैन डू इट शाबाश रॉकेट बेस्ट ऑफ लक छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं इसको छोड़ना नहीं जय 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 बाल हनुमान मेरी रक्षा करना मेरे बाल हनुमान कबड्डी 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 छोड़ना नहीं इसको कबड्डी कबड्डी नहीं कबड्डी 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 जोर लगा के हई शा जोर लगा के हई शा कबड्डी कबड्डी दम लगा के हई शा जोर लगा के हई शा कबड्डी 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 नो दबा दो उसको और दम लगा दबा दो छोड़ना नहीं अच्छी तरह से मसलना इसको
अच्छी तरह से। रॉकेट शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट पुश रॉकेट पुश। रॉकेट यू कैन डू इट। यू कह रहा है कबड्डी 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 शरारती पूछ। कबड्डी 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 नहीं कबड्डी 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 कबड्डी। मूव इट मैन। ओह रॉकेट यू कैन डू इट। कबड्डी कबड्डी ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोटे महाराज बहुत बहुत बधाई हो, आप जीत गए। आपके प्लेयर्स वाकई बहुत अच्छा खेले, खास कर ये दोनों रॉकेट और लॉकेट। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे छोड़ो गटर, ये तो फ्रेंडली मैच था। लेकिन एक बात है, मामला बड़ा क्लोज था। हाँ, कुछ भी हो सकता था। लास्ट में इन लोगों ने बाजी मार ली। अब आओ आओ, जरा अपने हाथों से जीती हुई टीम को ट्रॉफी दे दो। चलो आओ, बधाई हो, लो। ये आओ, अब सब लोग खड़े हो करके अपनी दोस्ती बनी रहे ऐसी प्रार्थना करें। क्रोको मंकी भाई भाई, क्रोको मंकी भाई भाई, क्रोको मंकी भाई भाई, क्रोको मंकी भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, क्रोको मंकी भाई भाई, क्रोको मंकी भाई भाई। अरे टूटे नहीं, बड़ी पक्के। आज तो बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन कोई बात नहीं, इस मैच ने तो हमारी नफरत को और बढ़ा दिया है। बॉस सही टाइम आने दो, फिर देखना इन बंदरों का क्या हाल करते हैं। ओए ओए जल्दी करो बॉस, अब तो ये बंदर जहाँ भी मिलते हैं कबड्डी 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 कहकर चिढ़ाते हैं। खामोश, लगता है बहुत जल्द हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। शटर तुम यहीं रहो, बाकी सब लोग बाहर जाओ, हम लोग सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। गटर बॉस, ये आवाज तो तेज होती जा रही है, मुझे लगता है कोई हमारे आसपास ही है। हाँ। ये डब्बे में क्या हो रहा है, देखते हैं। हेलो ब्रादर, हेलो ब्रादर, हेलो हेलो हेलो। अरे गटर बॉस, ये सिग्नल की पुंगी कैसे बज गई? अरे इसकी इसकी तो शेप ही चेंज हो गई। अबे बाकी छोड़,
ये अपना नया भाई कहां से पैदा हो गया? हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, कर रहा है? Stupid! I am your brother from different mother, got it? गटर बॉस, आपकी माँ का नाम क्या वाकई डिफरेंट था? नहीं तो? सॉरी बॉस, सॉरी, सौतेली माँ होगी. ए शटर के बच्चे, तू अपना ये तरबूज जैसा मुंह बंद रख. अरे कौन सा हेलो ब्रदर है तू भाई? हमारी तो डिफरेंट नाम की कोई माना है. Idiots, I mean to say from different planet, यानी के अलग ग्रह. Let me think. Okay. हमारे यहाँ हम अपने प्लैनेट को अपनी मदर समझते हैं और जिनसे ये अपनी वेवलेंथ मिलती है उनको अपना ब्रदर समझते हैं. हेलो ब्रदर. लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है सिर्फ वेवलेंथ ही मिलती है, ब्रेन्स नहीं. चलो कुछ तो मिलता है. लेकिन भाई तुम्हारी फोटो तो आ गई, लेकिन तुम कब आओगे? कब आओगे? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ गया? अरे कहाँ गया? अरे गटर बॉस, लगता है ये ब्रदर फ्रॉम दी डिफरेंट मदर तो नाराज हो गया. पहले एट द लीस्ट फोटो तो दिख रही थी, अब पता नहीं कहां से निकलेगा ये. एक तो जब से इसकी आवाज सुनी है ये घड़ी घड़ी बिजली और फ्लैश बहुत चमक रही है. गट बॉस, मुझे तो लग रहा है ये कहीं बंदरों का भेजा हुआ फोटोग्राफर तो नहीं था जो कबड्डी की हार के बाद हमारे लटके हुए चेहरों की फोटो खींच रहा था. हाँ हाँ, कल देख लेना अपनी फोटो मॉर्निंग न्यूज़पेपर में, बेवकूफ कहीं का. अपनी चोंच बंद रख यार, ये गया कहाँ? चोंच, चोंच, ये जबड़ा चो. गटर बॉस, भले दो थप्पड़ मार लो लेकिन ये इतने बड़े जबड़े को चोंच बोलकर इंसल्ट नहीं करना. हाँ ये इडियट्स लड़के हैं, जाकर देखता हूँ. छोड़ो, जाने दो गटर बॉस. पहले इंसल्ट करते हो फिर सॉरी फील करते हो. लगता है पागल हो गया है ये. अच्छा चलो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो यू आर सॉरी, यानी कि माफ किया. चलो शटर के बच्चे. क्या हुआ बॉस, मारोगे कैसे? तुम्हारा हाथ तो मेरे कंधे पे. कंधे कंधे बॉस बॉस, तुम उधर हो. दिए भूत भूत भूत. Idiots, इतना क्यों चीखते हो? क्या तुम लोग अपने मेहमान का वेलकम चीख कर करते हो? Stupids. Sorry, sorry. Don't waste the time. Let us come to the point. तुम लोग के पास अगर मैं और रुका तो मैं भी पागल हो जाऊंगा. वेलकम 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 ब्रदर फ्रॉम द डिफरेंट मदर, वेलकम. प्लीज प्लीज. माय नेम इज एंथनी,
प्यार से लोग मुझे एंथनी चकास कहता है। ओह अच्छा अच्छा। देखो क्या तुम इस पावरफुल टुकड़े को पहचानता है? देखो ध्यान से देखो, इसके बाकी पोर्शंस का सिग्नल हमको तुम्हारी इसी डेन से मिल रहा है। मिस्टर एंथनी जकास, तुम एकदम सही जगह पर आए हो। मैं भी बहुत समय से इस मिसिंग टुकड़े को ही ढूंढ रहा था। हाँ, इसीलिए हमारे सिग्नल्स मैच हुए। ये हमारे दानवराज के शरीर का टुकड़ा है जिसे बाल हनुमान ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। बाकी सब पीसेस मेरे पास यही हैं। वेरी गुड। एक्चुअली ये टुकड़ा जिस पर हम काफी टाइम से टेस्टिंग कर रहा था बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। एंड आई एम श्योर कि अगर ये फुल बॉडी बन जाएगा तो यहां इस जमीन पर उसको कोई हरा नहीं पाएगा। जकास भाई, अरे हमें भी तो उनको जिंदा करने का है जिससे यहाँ पर फिर से हमारी दहशत कायम हो सके। दहशत? हाँ, लेकिन ऐसा होगा कैसे? लास्ट टाइम तो गटर बॉस ने रॉकेट नाम के एक मंकी को ट्रैप करके इनको जिंदा करवाया था। अरे शटर, तब उनकी बॉडी सिंगल पीस में थी, लेकिन जान तो अब भी इनकी बॉडी में मंकी की वजह से ही आएगी, क्योंकि इनकी जान भी मंकी की वजह से ही गई थी। लेकिन उसके लिए पहले इनकी बॉडी का सिंगल पीस में कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो कमीना लोग मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे प्लैनेट का एनर्जी और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ जानवरों के साथ साथ अर्थ का प्लांटेशन को भी डिस्ट्रॉय करके उसको फ्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे हमारा टेक्नोलॉजी आज भी बहुत हाई है। हम तुम्हारा दानवराज को सिंगल पीस कर सकता है। सच में? सिंपल है, तुम हमारा मदद का प्रॉमिस करो, हम तुम्हारा मदद करेगा। बोलो। तो ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसी बात पे जश्न हो जाए। अरे आला रे आला जकास भाई आला, आला रे आला जकास भाई आला। अरे कोल डाला अपनी, ओए होए ओए होए। अरे कोल डाला अपनी, खोल डाला अपनी, खोल डाला अपनी, अरे खोल डाला अपनी किस्मत का ताला। अरे आला रे आला जकास भाई आला। हा हा। अरे अरे क्या हुआ? अरे छोटे महाराज ने क्यों बुलाया? अरे रॉकेट लॉकेट, कोई गंभीर संकट आने वाला है। एक अजीब सा यूएफओ क्रोकोडाइल्स की डेन के ऊपर उसके आसपास ही मंडरा रहा है। हाँ? 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 मुझे तो लगता है ये क्रोकोडाइल्स अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अरे छोटे महाराज, खिचड़ी नहीं, पूरा का पूरा डिनर पका रहे हैं। डिनर? चले थे कबड्डी मैच से उन्हें सुधारने। रॉकेट, रॉकेट, सॉरी 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 छोटे महाराज, ऐसी सिचुएशन में ऐसे डायलॉग निकल ही जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें छोटे महाराज, हम लोग अभी जाकर पता लगा कर आते हैं। ए, चल 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 लॉकेट चल। आओ भाई आओ, चलो 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 चलो।
जय हो बाल हनुमान। छोटे महाराज, खुश रहो। बाल हनुमान, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब हम इस मुसीबत से बचेंगे कैसे? छोटे महाराज, माना कि ये मुसीबत बहुत बड़ी है, लेकिन आप भी तो हनुमान भक्त हैं। आपको बुद्धि और बल दोनों में हराना इनके लिए इतना आसान नहीं है। बाकी रॉकेट लॉकेट जैसे निडर शिष्य भी तो हैं आपके पास। समझ गया बाल हनुमान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका हाथ हमारे सर पर है तो चिंता की कोई बात नहीं है। जय श्री राम। तो अब मैं चलूं? जी प्रभु। लाओ 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 वो टुकड़ा लाओ। झकास, तुम तो वाकई में झकास हो। एक बार दानव राज को जिंदा हो जाने दो, फिर देखते हैं इन बंदरों और उनके चहेते जंगलों को सब तबाह कर देंगे। गटर बॉस, दानव राज छोड़ तो गए लेकिन जान नहीं आई। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, सूरज उगने से पहले पहले मेरे और लोग अपने अपने यूएफओस में आएंगे। उन सब की पावर तुम्हारे दानव राज को एक स्ट्रॉन्ग कवच देगी ताकि इसकी बॉडी ब्रेक ना हो सके। बाकी मंकी का तुम लोग देखो कहां से लाओगे। Your problem. अब मेरी बात सुनो, सब लोग बाहर की तरफ चलो। सुबह होने से पहले पहले अब छोटे महाराज को सारी खबर देनी है। और सुनो सुनो, तुम में से कुछ लोग बाहर ही रुकना इन पे नजर रखने के लिए। निकलो निकलो निकलो। हाँ चलो 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 चलो, तुम लोग सब निकलो। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। Hmm.
नहीं। तुमको मंकी मानता था, ये तो अपने आप ही आ गया। देखो रॉकेट, अरे इस मंकी को तो यहाँ आने की वैसे भी काफी खुजली है, लेकिन एक बात है, ये कबड्डी बहुत अच्छी खेलता है। कबड्डी 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 कबड्डी, अब खिलाता हूँ मैं तुझे असली मैच। कैसे हो मित्र रॉकेट? लेकिन एक बात है, आज तुमने एक बात तो सही साबित कर दी कि वो क्या कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि दानवराज को जिंदा करने में हमें तुम्हारी जरूरत है? अरे वाह, क्या लाइटिंग लगाई है। अब बस रॉकेट की बॉडी का छोटा सा टिश्यू दानवराज की बॉडी में ट्रांसफर कर दो। अपने दुश्मन का पार्ट आते ही उनकी बॉडी में जान आ जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं गलती से हमारा या तुम्हारा बॉडी का कोई पार्ट इस रॉकेट के टिश्यू के साथ गया तो दानवराज जिंदा होते ही हम सबका दुश्मन और इस रॉकेट और उसके साथियों का दोस्त बन जाएगा। ध्यान रखना। ये क्या उल्टा पुल्टा प्रोसीजर है। एनीवेज, यू लिफ्ट हिम, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके ओके, एक शटर, उठा इसको, उठा। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश, तुमने फिर से मुझको जिंदा कर दिया। तो इस बार फिर ये बंदर मुझे जिंदा करने में काम में आया। दानवराज की जय हो, हम तो आपके सेवक हैं दानवराज। दानवराज की जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो। क्या हुआ,
दानवराज, आपकी वापसी में हमारे इस नए ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर जकास भाई का भी हाथ है। हाँ, मैं सब जानता हूँ रे जकास। गटार। जी दानवराज। अब कोई देरी नहीं, पहले इन सब का काम, क्योंकि इनकी ताकत में ही हम सबकी ताकत है, इसलिए अटैक। भागो जल्दी, भागो, बचो। जला दो पूरे जंगल को। हाँ, जला डालो सब कुछ। अरे छोटे महाराज, मैंने सोचा सामने से भी क्रॉकोडाइल्स आ रहे हैं। देखिए जरा। हमें सब पता है और हमने सब तैयारी कर ली है। हमारे सब लोग मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। शांत रहो, शांत रहो, शांत शांत। लॉकेट, जाओ जल्दी। आओ, चलो 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 चलो। अरे सिग्नल हो गया। अरे हो गया सिग्नल। अरे दुष्ट, बाल हनुमान अपने भक्तों के लिए कभी दूर नहीं होते। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिल में। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ। चलो तुम्हारे बहाने हम भी दर्शन कर लें।
लेकिन उससे पहले तुम अपने खास बंदर यानी के रॉकेट से तो मिल लो। रॉकेट? एंथनी जकास, अरे जरा इनके हीरो को नीचे तो भेजो। दुष्ट दानव, छोड़ दे उसको, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। दानवराज, ये छोटे महाराज आम मंकी नहीं है, इसे लाइटली मत लो। भौन डालूंगा इन सबको, भौन डालूंगा। नीचे उतरने की क्या आवश्यकता है? तेरी जगह यही है, हवा में। वैसे भी बहुत मन करता है ना तेरा हवा में उड़ने का। अब मैं तुझे कितनी बार क्षमा करूं? मेरा दर्शन करने का बहुत शौक था ना तुमको? अरे, अपने भक्तों के लिए तो मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। अरे मूर्खों, जिन जंगलों को तबाह करके तुम इन एलियंस की शक्ति बढ़ाने के लिए ईंधन तैयार कर रहे हो, अगर कहीं वो नष्ट हो गए तो तुम तो वैसे ही मारे जाओगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें हवा और पानी मिलता है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सच कहा था छोटे महाराज आपने, ये सुधरेंगे नहीं। अब बाल हनुमान, जैसा आपने कहा था, हमने तो मित्रता की कोशिश की थी, अब देखिए। छोटे महाराज, वो कोशिश अवश्य थी, अब मैं हूँ ना। बाल हनुमान,
मेरी शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। अब तो मेरे साथ दूसरे ग्रहों की भी शक्तियाँ हैं। बर्बाद कर दूंगा इन सबको, बर्बाद। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई। अरे दुष्ट दानव, समझता क्यों नहीं? बुरी शक्तियों से कुछ नहीं होता, सच्चाई और आत्मविश्वास की हमेशा विजय होती है, बुराई की विजय कभी नहीं होती। अरे मूर्खों, जहाँ रहते हो उसी मातृभूमि को उजाड़ रहे हो। जरा पूछो इन एलियन से, जो अपने ग्रह को विकसित करने के लिए अपने ग्रह को नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ तो सीखो इनसे, अपनी तबाही पे लगे हुए हो। अरे कुछ मत सुनो इसके, अटैक चलो। रुको, हमें क्षमा करे बाल हनुमान, आपने हमारी आंखें खोल दी। अरे भाइयों, हम इन दूसरे ग्रह वालों के लिए अपनी इस धरती को क्यों उजाड़े? छोटे महाराज, आप भी हमें क्षमा करें, क्षमा कर दे हमें। दानवराज, आप भी बाल हनुमान से क्षमा मांगकर हमारे साथ यहीं रहिए। अरे पागल हो गए हो तुम सब लोग भी, अब तुम लोग भी मरोगे इनके साथ यहीं। अभी देखता हूँ इन उड़न तश्तरियों को। एक ना, तुम तो बार बार चिल्लाते बहुत हो, बहुत शौक है ना उड़ने का। हाँ? जाओ, तुम्हें भी इनके साथ ही भेज देता हूँ, और दोबारा कभी आसपास नजर आए तो जिंदगी भर सारे ग्रहों के चक्कर गोल 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 लगाते रहोगे, समझे? ओहो, तो तुम कौन हो? अरे भाग लो झकास, ये अर्थ का टेक्नोलॉजी तो हमसे मिलियन टाइम्स बेटर है। लगता है दानव राज की जगह बाल हनुमान से दोस्ती करना मांगता था। माफ कर दो। चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, भागो। बाल हनुमान की जय, 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 बाल हनुमान की जय। हाँ, आज के बाद सब लोग आपस में मिलजुल कर रहना, ये धरती बहुत बड़ी है, सबको संभाल सकती है। कोई समस्या हो तो छोटे महाराज हैं, उनसे मिलिए। जी प्रभु। और हाँ, कभी लड़ने का मन कर भी पड़े तो आपस में कबड्डी खेल लेना। जय श्री राम। जय श्री राम।